एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाक। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें बताना चाहूंगी, मेरा नाम है दीपिका रावत तड़ियाल। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों कोटाबाग से, जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। आई होप आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना ना भूलें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, जिससे आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी अच्छी अच्छी बना के पोस्ट कर सकूँ। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स से भी मेरी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगी विंटर कलेक्शन, जो मैं सुबह विंटर के लिए यूज़ करती हूँ। कमी प्रोडक्ट हैं तो मैं जो करती हूँ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो मैं मॉइस्चराइज़र में यूज़ करती हूँ ये पॉन्स का, तो मैंने अभी ही परचेस किया है नायका से। तो मैंने नायका से दो बॉडी लोशन मंगाए थे और उसमें स्लिपिंग चार्ज पड़ रहा था मुझे 70 रुपये। तो मैंने इसीलिए मैंने इसमें ये कम दाम में था, ये 100 रुपीज़ का था, तो मैंने ये भी परचेस कर लिया। तो ये मुझे कुछ 89 ऐसे ही कुछ पड़ा है। और दो बॉटल मैंने ममा अर्थ के बॉडी लोशन मंगा रखे हैं जो ये हैं। तो ये इसका मार्केट MRP है 449, तो ये मुझे 399 में दो बॉटल मिले हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं ममा अर्थ के। तो इसके काफ़ी जो छोटे बच्चों के भी प्रोडक्ट आते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप लोग अच्छा बॉडी लोशन कम दाम में ढूंढने हैं तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये मुझे एक बॉटल ही 184 की ऐसी ही कुछ पड़ी है, तो बहुत अच्छी बॉटल है। पूरा विंटर निकल जाएगा इनसे, तो ये एक ही बॉटल 2-3 महीने आराम से चल जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी, तो आप ले सकते हैं। और शैम्पू में मैं यूज़ करती हूँ ये बायोटेक का। तो ये मैंने काफ़ी बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, तो मेरे हेयर ये है मैट्रिक्स का शैम्पू और मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे, तो मैंने हेयर रिपेयर के लिए ये शैम्पू लिया था। तो मैं कभी कभार लगाती हूँ, जो ये कंडीशनर है ये कंडीशनर भी यूज करती हूँ कभी शादी वगैरह में या कोई फंक्शन है वहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये आपके बालों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है कंडीशनर, तो कम ही यूज करना चाहिए कंडीशनर को। और ये है, ये हिमालय का है शैम्पू, तो मेरे हस्बैंड भी यूज कर लेते हैं, मैं भी यूज कर लेती हूँ, कभी सासू माँ भी यूज कर लेती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है हिमालय का, तो ये भी करती हूँ। लेकिन मैं वीक में एक आधी बार सर धोती हूँ, कमी धोती हूँ मैं सर। और ये है, ये मेरे पापा ने दिया था कैंटीन से लाके मुझे, तो ये तो दिया था सासू माँ के लिए, तो अब ये सासू माँ यूज करेंगी, तो कभी कभार मैं भी कर लूँगी एक आध बार ट्राई करने के लिए। तो शैम्पू, जैसे शैम्पू हमेशा कंटिन्यू एक ही शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए, चेंज कर करके करना चाहिए। अगर जिसके बालों को सूट करता, अगर किसी के बालों को नहीं कर रहा तो कंटिन्यू एक ही लगाता है, वरना कभी एक महीना या चेंज करना ही चाहिए शैम्पू को। तो ये है। और लिप बाम के लिए आजकल तो मैं ये यूज करती हूँ बायोटेक का, ये मैंने आप लोगों से पहले वीडियो में भी शेयर किया था, और ये भी बहुत अच्छा है। ये 175 का है, तो ये मुझे कुछ 70 ऐसे कुछ पड़ा था, तो ये मैंने मिंत्रा से परचेस किया था। तो मिंत्रा से नहीं, नायका से परचेस करना चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं आगे आपको, आप लोग मेरा ये ब्लॉग इंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेकफास्ट, आज ब्रेकफास्ट में है मूली के पराठे और मूली की सब्जी, और ये है बैगन की सब्जी टमाटर के साथ, और ये है टमेटो सॉस। तो मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए। चुके हैं सुबह के 11 और मैं कपड़ी हूँ, पूरे कपड़े मेरे जब से मैं मायके से आई थी तब से थे बिल्कुल, हस्बैंड ने तो तैसे तहस नहस मचाई हुई थी। अभी मैं अलमीरा में इन्हें सजा के रखती हूँ कपड़े, तो मैं ये सारे सजा के मैंने रख दिया, आधे मैंने ये कर दिए, मैं ये काम फटाफट फिनिश करती हूँ। एवरीवन, अभी बज रहे हैं दिन के 4 और ये देखिए पीले रंग का फूल का पेड़ कितना बड़ा हो गया। तो ये लगाया था बहुत छोटा सा पेड़ पापा ने, और ये हो गया बहुत बड़ा, और इससे पूरे घर की सुवारी कितना सुंदर लग रही है देखने से, बहुत बड़ा हो चुका है ये पेड़। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए इतना बड़ा पेड़ हो गया है, पूरा ऊपर तक इसकी टहनियाँ ऊपर तक चली गई हैं, पूरा खिला हुआ है ये देखिए, और खुशबू भी आ रही बहुत अच्छी से। एवरीवन, अभी बज रहे हैं 3:45 और मौसम हो रहा है कि इस तरह का, धूप तो आई नहीं है लेकिन ऐसे बादल से लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाला है। और ठंडा तो नहीं हो रहा, पर ठीक ठीक हो रहा है, यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है। तो दिन का व्यू किस किस तरह है, इनका व्यू कुछ इस तरह है, और बादल बादल से लगे हुए हैं, बारिश आने वाला जैसा लग रहा है, बट बारिश तो हुई नहीं, और धूप दिन भर नहीं आ रही थी आज, ऐसे ही मौसम हुआ है दिन भर का आज का।
5 बजे का कुछ इस तरह का नज़ारा है ये देखिए सामने। और ये वाला जो गांव है ये है पूरा आंवला कोट, और ये है ये पूरे खेत में लगाई हुई है हल्दी। ये देखिए पूरे खेत में है हल्दी। और मैं यहाँ पर को लेने आई थी, मम्मी ने ऊपर वाले खेत से लिया है पराल, तो वो किसी और के खेत है, तो मम्मी वहाँ काटती वगैरह है, तो वहाँ से लिया हमने पराल। तो मैं पराल लेने उठाने आई थी मम्मी को, मम्मी तो एक गट्ठा लेके गई, और बहुत सालों बाद आज मैंने पहली बार गट्ठा सर में लिया था, तो वह गिर गया, उठाते ही पूरा गट्ठा भी गिर गया। तो यहाँ पर मैंने फिर दिया, और मम्मी आएगी उसे बांधेगी, क्योंकि मुझे बांधना आता तो आता नहीं, मम्मी टाइट करके बांधेगी। तो मैं लेके गई, याद है मैंने कहा मम्मी दो दो बार आएंगी, इसलिए मैंने कहा मैं ले जाती, मम्मी मना कर रही थी, बट मैं लेके गई तो ये सारा बिखर गया ऐसे। पूरा हल्दी का खेत, पूरे नीचे तक पूरी हल्दी लगाई हुई है। तो अब ये खोदने का टाइम आ गया है इनका, अब कुछ टाइम बाद इन्हें खोद देंगे और फिर इन्हीं खेतों में लगाते हैं प्याज। और ये सामने है लीची का पेड़, वो है आम, और ये पूरा लामो आम और लीची का पूरा बाग है। पूरा कोरा कोरा लगा हुआ है, क्योंकि पहाड़ी वगैरह कुछ नहीं दिख रही, दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से दिखाई देती हैं जो नैनीताल की पहाड़ियाँ हैं, बट दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी लगा हुआ है कोहरा यहाँ से। अब देखिए सामने, और आगे पूरे खेतों में थे, बीच में धान मैंने अपने पहले वाले ब्लॉक में डाला था, और वो धान सारी कटाई हो गई, मनाई वगैरह सारी हो चुकी है, ये देखिए। और पीछे है, वहाँ से जो पीछे दिखाई दे रहा है ये है पूरा हॉस्पिटल कैंपस, ये कैंपस एरिया है पूरी हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कोटाबाग का। ये है कुछ इस तरह का नज़ारा अभी का। थोड़ा बहुत ही करा, क्योंकि कहीं जाना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हस्बैंड बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत बिजी। जब फ्री होंगे शायद तब कभी कहीं जाएंगे, तो तभी बाहर का दिखा पाऊंगे, तो घर ही घर का क्या, इधर उधर जाना भी नहीं है, घर ही में है, तो वही करा। तो अभी लग रही थी भूख, मैंने बनाई है मैगी, तो मेरे साथ इंजॉय कीजिए आप लोगों भी, मैं काफ़ी अच्छी मैगी बनाती हूँ, तो मैंने बनाई है मैगी, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं मैगी। देखिए ये मैंने बनाई है मैगी, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, मैं भी मैगी इंजॉय करती हूँ। एवरीवन अभी बच चुके हैं 7:00 PM। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आए, व्लॉग तो क्या पसंद आएगा, क्योंकि मैं घर ही में हूँ, ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो जब हम गाड़ी लेके आए थे सोचा था कि कहीं जाएंगे, बट ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि हस्बैंड है बहुत ज़्यादा बिजी। जब फ्री हो जाएंगे, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और वो थोड़ा फ्री हो जाएं तभी जाएंगे, क्योंकि काम का प्रेशर है, तो काम के बीच में नहीं जा सकते इधर उधर घूमने के लिए, तो सबसे पहले काम है, उसके बाद सब चीज़ है, तो पहले काम निपटाएंगे। तो मैंने सोचा है कि हम काफ़ी जगह जाएंगे, तो मेरे ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी जब मैं इधर उधर बाहर कभी घूमने जाऊँगी, जब फ्री हो जाएंगे हस्बैंड। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, उन्होंने काफ़ी वीडियो देखी है मेरी, और मैंने YTU स्टूडियो में देखा था, और जो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने कम देखा है, जो जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब है उन्होंने ज़्यादा देखा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और आई होप आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आए। अगर चैनल आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड अपने फैमिली से भी मेरे ब्लॉग को शेयर किए। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।